इसको हम दाल पनीर किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ बहुत मजे से खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी वो भी कढ़ाई में, ये एक ही बार में 4 से 5 तक कढ़ाई में एक साथ बनती है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। इसके लिए जो हम आटा लेंगे वो अपना नॉर्मल आटा लेंगे जो हम रोटी के लिए लेते हैं। एक नॉर्मल पेड़ा हम लेंगे जो हम रोटी के साइज का उठाते हैं, बस उसी तरीके से। रोटी के जैसे इसको हम मेलेंगे और इसके चारों तरफ बीच में थोड़ा सा हम घी लगाएंगे, क्योंकि तंदूरी रोटी बहुत क्रिस्पी होती है। इस तरह से हम चारों तरफ घी लगाएंगे और इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे पराठी के जैसे। इस तरीके से, और इसको हम एक पूड़ी के साइज का बेलेंगे। थोड़ी सी मोटी होती है तंदूरी रोटी, हम इसको मोटी ही बेलेंगे। रोटी से थोड़ी सी छोटी और पूड़ी से थोड़ी सी मोटी ही होगी। इसी तरह से हम बेल के एक बार में 3 से 4 रख सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से मैंने एक साथ 3 बेल ली है, क्योंकि कढ़ाई में 3 ही आती है मेरी, तो 3 हमने रेडी करी है। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई हम मोटे पैने वाली लेंगे। कढ़ाई को अच्छे से गरम करेंगे जैसे हम तवे को गरम करते हैं। कढ़ाई हमारी अच्छे से गरम हो गई है। अभी जो हमने बनाई थी रोटियां, उसको इस तरह से साइड में बस चिपका देंगे। इसमें कोई पानी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हमें नहीं लगाना है। एक बार में कढ़ाई में जितनी आएगी उतनी ही हम चिपकाएंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको बनने देंगे। ये देखिए, एक साइड से फूल गई है हमारी थोड़ी थोड़ी रोटियां। अब इसको हम टर्न करेंगे और इसको चारों तरफ से थोड़ा सा सिकने देंगे अच्छे से। ये देखिए, दोनों साइड से सिक गई है अच्छे से। थोड़ी सी हार्ड भी हो गई है, ये तंदूरी रोटी बहुत हार्ड होती है। अब इसको हम साइड में करेंगे और एक एक रोटी को इस तरह से गैस पे सेकेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको दोनों साइड से सेक लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल तंदूरी रोटी का लुक आ गया है इसमें। ये देखिए, ये पूरी सिक चुकी है अच्छे से। अब इसके ऊपर अच्छे से हम घी लगाएंगे। इसमें घी बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ इसमें घी लगाएंगे, ये देखिए, और इसको इस तरह से कपड़े की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, बन गई है। इसमें पूरी लेयर्स भी बहुत अच्छी आती है, जैसे तंदूरी रोटी की आती है, और आपको देखने में भी लग रहा होगा बिल्कुल तंदूरी रोटी जैसी। इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारी रोटियां मैंने इस तरह से बना ली है, तंदूरी रोटी अपनी। इसको हम दाल पनीर किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ बहुत मजे से खा सकते हैं। ये तंदूरी रोटियां हमने बिना तंदूर के कढ़ाई में बनाई है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।